स्वागत है आपका बसिन साहब, सुप्रभात। बताएं सर, बाजार पर व्यू नीचे खुलकर थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही, फिर से 18,000 वहां पर पहुंच चुके हम। बताएं आपकी तरफ से आउटलुक भी और अपडेट्स भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आपको बता दूं, पहली बात तो ट्रोलिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन जो साइड में है उसके लिए जो जहां शाबाशी है वहां पे दीजिए। बॉश है सीट ऑल टाइम हाई 18,250, आपको 13, 14, 15 में। दूसरा परसिस्टेंट 3200, 3300, 3400, 3500, वो 49.5 बिक गया, तो छोड़ी शाबाशी बन दिया। बॉस का भाव 25,000 रुपए जाएगा। अब जो एक आध गलत कॉल है उसके लिए। दूसरी बात अनिल जी, आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। येस्टरडे द फुटसी एंड द कैक हिट ऑल टाइम हाई। क्या मैं बोल रहा हूँ? ऑल टाइम हाई। डैक्स इज ऑलरेडी हिट ऑल टाइम हाई। यूरोप वॉज द वर्स्ट एलिफेंट इन द रूम 3 महीने पहले, वो बेस्ट परफॉर्मिंग हो गया। तो आप अगर यूएस की और इंग्लिश चैनलों की टिप्पणी सुनते रहेंगे तो ना आपके पास माल आएगा और ना आपके पास शेयर आएगा, आप बस बैठे रहेंगे। और रिलायंस इज एट अ 4 मंथ हाई, टीसीएस इज एट अ 12 मंथ हाई। आईटी स्टॉक्स जो 3 महीने पहले जेपी मॉर्गन के डाउनग्रेड से बॉटम हो गए, 20% अप है, और बैंक के स्टॉक्स में अब वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो कोई दो राय नहीं अनिल जी, ये लेने के मौके हैं। डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्री। सारा कुछ एक फेड के साथ नहीं होता, हु इज बिहाइंड द कर्व, और जिसको अपने आप नहीं पता कि ग्रोथ चाहता है या रिसेशन चाहता है। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी थी अनिल जी। आप कहें तो मैं आगे के लिए भी अपडेट दूं और आपके लिए 3 फ्रेश कॉल। बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास, बढ़िया अपडेट आपके, बेहतरीन। और बताए सर, आज नए कॉल्स कौन से हैं? अनिल जी चेक कर लिया आपने, बॉस ने ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट भी न्यू हाई हो गया। जी 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 बिल्कुल सर। तो 13, 14, 15 तो अब अनिल जी आपको लेना है HDFC। देखिए, द बिगेस्ट मॉर्गेज लेंडर हैज रेज मनी एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस, विच शोज द क्रेडिबिलिटी। दूसरी बात बताऊं, ये जो सारा अडानी का एम्ब्रॉगली है वो भी खत्म हो जाएगा। दे आर ऑल्सो रेजिंग 3 times डेट एंड दे विल लीवरेज देमसेल्फ 1/3। तो फिर आपके पास रह क्या जाएगा जब रिलायंस भी चल गया? HDFC लीजिए, 2800 का टारगेट है, 2650 का स्टॉप लॉस। सिंपल चीज, द लार्जेस्ट प्लेयर इज रेज्ड मनी एट मोस्ट रीजनेबल रेट, ही विल बी द वन हु विल हैव द मैक्सिमम NIMs। तो HDFC इज माय टॉप लार्ज कैप। दूसरा अनिल जी, इंडसइंड बैंक। देखिए, अशोक लीलैंड रिकॉर्ड सेल्स है, CV सेल्स आर इन द बेस्ट प्लेस एवर। सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से लार्ज कैप बैंक इज इंडसइंड, इवन बेटर देन ICICI। ये 1225 जाएगा, अभी आप 1100 का स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा सा ज्यादा दिया है अनिल जी, क्योंकि वॉलिटिलिटी है। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, माय फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा इज गोइंग टू न्यू हाईएस्ट, इट्स इन द MSCI इंडेक्स। सेकेंडली, द रिजल्ट्स वर द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री एंड द बैंक इज सेइंग देयर इज नो स्टॉपिंग अस। 185 का टारगेट है, 162 का स्टॉप लॉस। 3 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए बस इन साहब की तरफ से। HDFC लिमिटेड, जिसने 25,000 करोड़ के बॉन्ड्स जुटा है, यहां पर करें खरीदारी, 2650 का स्टॉप लॉस होगा। 2800 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड में करनी है आपको खरीदारी। इंडसइंड बैंक 1100 का स्टॉप लॉस, 1225 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा 162 का स्टॉप लॉस, 185 के टारगेट के लिए करनी खरीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब, ये सारी पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए बढ़ते आगे